करनाल के बजीदा गांव के लापता युवक का शव देर शाम को आवर्धन नहर से मिला। पुलिस ने दो व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इन आरोपियों में से एक पुलिस कर्मचारी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि रोहतास का अपहरण करके उसके बाद उसे आवर्धन नहर में धकेला गया। फिलहाल अभी हत्या करने और नहर में धकेलने के कारण संदिग्ध हैं। इस बारे में मृतक के परिजनों का कहना है कि उनके परिवार की किसी के साथ रंजिश नहीं थी, फिर भी ना जाने क्यों उनके बच्चे के साथ ऐसा किया गया। बता दें कि 20 साल का शांत स्वभाव का युवक रोहतास अपने पिता को खाना देने के लिए बजीदा गांव से फैक्ट्री जा रहा था। रास्ते में एक बाइक पर सवार दो लोगों ने उसे अपनी बाइक पर बिठा लिया। इन बाइक सवारों में से एक जो उसी के गांव बजीदा का रहने वाला था, तो वही दूसरा नरोखेड़ी गांव का रहने वाला था। बता दें कि यह युवक को अपनी बाइक के बीच में बिठा लेते हैं और नहर पर ले जाकर उसे नहर में धकेल देते हैं। युवक रोहतास को बाइक पर बैठाते हुए तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो जाती हैं। लापता युवक के परिजन जब अपने बेटे की तलाश करते हैं और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चलता है कि उसका अपहरण करके दो व्यक्ति उसे नहर की तरफ ले गए हैं। देर शाम परिजनों व पुलिस ने लापता युवक के शव को नहर से बरामद कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के परिजनों का कहना है कि उनके परिवार की किसी के साथ कोई भी रंजिश नहीं थी, फिर भी उनके साथ न जाने ऐसा क्यों हुआ। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। ये मामला गांव बजीदा जटान का है और वहाँ दुनार राइस मिल के पास में मंदिर है। मेरा भतीजा जो रोहतास वहाँ अपने उसका फादर वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है और वो वहाँ पे उसकी चाय देने के लिए गए। कैसे चाय देके वो वापस आया, इन दो लोगों ने सुनील और सुदीप जो नरोखेड़ी से है और एक गाँव बजीदा जटान से मेरे, उन लोगों ने इसको जबरन बाइक पर घेरा। जैसे वहाँ से लेके वो निकले तो आगे मेरा छोटा भाई है, उसने देखा कि ये रोहतास को बीच में लेके जा रहे हैं, बीच में बाइक में लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने जैसे उनका पीछा करने की कोशिश की तो वो लोग आगे निकल गए थे। वो इन्होंने सोचा कि वो मंडी की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन वो उसको गोगड़ी पर फाटक की तरफ लेके गई। उसके बाद हमने उनकी छानबीन खूब की तलाश की है कि हमारे बच्चे को लेके गए हैं, वो किस प्रकार क्यों उठा के लेके गए हैं, जिसका एक किसी के साथ कोई भी किसी प्रकार की ना रंजिश है ना किसी प्रकार का। हाँ जी, कौन है, कहाँ के हैं? एक नरोखेड़ी से है जिसका नाम संदीप है और एक बजीदा जटान से है। कोई रंजिश तो नहीं है? कोई रंजिश नहीं है जी, हमारी पारिवारिक किसी प्रकार का कोई खड़े नहीं है। तो क्या आरोप है? क्या आरोप यह कि वो उस टाइम पे नशे में धूप थे, उन्होंने लड़के को बीच में गिरा और वो साथ लेके गए हैं। उसके बाद वो उसको लेके वो घोगड़ीपुर की तरफ गए, वहाँ की हमने फुटेज निकलवाई है, हमारी दुकान के ऊपर कैमरा, वहाँ की फुटेज निकलवाई है। आगे हमने फिर वहाँ पर बिजने के पास जाकर बिरजपुर के पास फुटेज निकलवाई है। आरोपी ने कबूल कराया कि हम उसको लेके आए हैं और लेके आने के बाद उसको जबरन नहर पे लेके गए, वो उसके साथ मारपीट की है और काफ़ी अच्छे तरीके से मारपीट करने के बाद दोनों ने उसको नहर में डाल दिया है। एक पुलिस में भी था कोई? हाँ, एक लड़का नरुखेड़ी से है, वो पुलिस में है और उसके फादर एक्स सरपंच भी है। तो मोटरसाइकिल के ऊपर ले गए? हाँ, बाइक पे लेके गए हैं जी दोनों। मेरा नाम जोगिंदर है जी, मैं लड़के का चाचा हूँ। सर, कोई कुकर्म की बात भी सामने आ रही है, ऐसा कुछ है? देखिए सर, वो तभी हम लोग वहाँ पे नहीं थे, लेकिन अभी पोस्टमार्टम के अंदर जैसे जो रिपोर्ट आती है वो आप लोगों के सामने बिल्कुल आ जाएगी। वो तभी रिपोर्ट आने के बाद सर पता चलेगा, लेकिन वहाँ पे हम सब निकालने के बाद ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, उसके शरीर पे चोटों के निशान थे, जो घाव थे, तो उसका कान भी यहाँ से फटा हुआ था जिसमें से ब्लड निकला हुआ था। क्या नाम था मृतक का? कैसे हुई इसकी हत्या? सर, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। गांव बजीदा जटान का पाल समाज का जो लड़का था, उसे मतलब कि 22-23 साल जिसकी एज थी, तो उसे कुछ गांव के ही लड़के ने और एक नरुखेड़ी का बजीदे का जमाई जिसका नाम संदीप है और उसी की बाइक थी। पहले उन्होंने लड़के को किडनैप करने के बाद उन लोगों ने हद से ज़्यादा ड्रिंक करी। हमारा लड़का बहुत शरीफ था, किसी से कोई मतलब कि कुछ भी गलत नहीं था उसका किसी के साथ, ना कोई लड़ाई ना झगड़ा ना कुछ, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी। तो उन्होंने आपस में ये नहीं पता किस चीज़ की रंजिश थी, किडनैपिंग थी या किसी ने करवाई। तो हम प्रशासन से ये जानना चाहते हैं, सर हमें ये बताओ भी वो ही लड़का क्यों उठाया, भी हमारा ही लड़का क्यों उठाया,
हाईवे पे लड़के चलने वाले और भी थे, पब्लिक जा रही थी, लेकिन उसी लड़के के साथ क्या थी हमें ये अभी तक कुछ नहीं बताया गया। आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन ने हमें अच्छा कोऑपरेट करा है, SHO साहब ने अच्छा कोऑपरेट करा है, हमारा लड़का भी नेक्स्ट डे ढूंढ के दे दिया, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम ये चाहते हैं भी उनका पुलिस रिमांड हो, CIA में रिमांड हो और वो हमें बताए भी इस लड़के के साथ तुम्हारी दुश्मनी क्यों थी, भी तुम्हें इतना मजबूर होना पड़ा, भी लड़का डुबा ही दिया तुमने, जान से मार ही दिया। हम एक प्रशासन से मीडिया के द्वारा आप ये कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हमें रीजन पता लगे, इंसाफ मिले और रीजन पता लगे भी उसी लड़के को क्यों उठाए और क्या दुश्मनी। शांत स्वभाव का था लड़का? शांत स्वभाव का था, बहुत शरीफ था और उसके डैडी है सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, उनकी चाय लेके गया हुआ था सुबह। और जो दो लोग थे उनमें से एक पुलिस वाला भी है? एक उनमें से पुलिस वाला है जिसका नाम संदीप है, जिनका नाम संदीप है, उसकी मौके पर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। हमने सारे प्रूफ पुलिस को दिए हैं, पुलिस ने हमें अच्छा कोऑपरेट करा, मधुबन SHO तरशेम कंबोज ने हमें अच्छा कोऑपरेट करा, हमारा लड़का ढूंढ के दिया, हम उसकी कार्रवाई से खुश हैं। लेकिन हम आगे ये चाहते हैं भी इनका CIA में रिमांड होने के बाद हमें पता लगे भी ये लड़का ही क्यों उठाया, क्योंकि पब्लिक चल रही थी, सारे चल रहे थे। मेरा नाम मंजू, तो सर कौन दो लोग थे जिनके ऊपर शक था ये? तो पुलिस में भी है सर संदीप जो? संदीप जो है वो पुलिस में है? हाँ, तो धक्का वगैरह दिया, कुछ खा पी रहे थे या क्या पता चला सर? तो अब क्या कार्रवाई की जाएगी सर? 302 का मामला दर्ज हुआ, अरेस्ट कर लिया सर दोनों को, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो ये ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.